सर आप हमें काइंडली गाइड कर सकते हैं कि करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स की कैसे तैयारी की जाए फॉर सीएसएस? ज़रूर। करंट अफेयर्स और पाक अफेयर्स 2016 के बाद देखा गया कि काफ़ी सिमिलर इनकी पेपर्स हैं तकरीबन। यहाँ तक कि आपको तैयारी जब आप करते हैं तो जैसे कि मैंने बल्कि बहुत से मेरे मिलने वाले जो हैं वो सारे इनकी तैयारी इकट्ठे कर रहे होते हैं। अच्छा, इसके ऊपर इन दो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को लेके एक बड़ी ज़रूरी बात है, और वो क्या है? वो ये है कि इनके अंदर जो सवालात आते हैं वो यूजुअली डेवलपिंग स्टोरीज के ऊपर आ रहे होते हैं। मेरे डेवलपिंग स्टोरीज वाले जार्गन का क्या मतलब है, आपको मिसाल दे देता हूँ। जैसे आज के अगर देखा जाए तो चाइना और इंडिया का एक मसला चल रहा है लादाख के ऊपर, ठीक है? अब ये एक डेवलपिंग स्टोरी है, इसका कोई कंक्लूजन अभी तक आपके सामने नहीं आया, ठीक है? ना ही कोई ट्रूस हुआ है, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। लेकिन अभी एक ये स्टोरी डेवलप हो रही है, ठीक है? इसका जो सबसे अच्छे तरीकेकार है वो ये है कि आप अपने जो नोट्स हैं करंट अफेयर्स और पाक अफेयर्स के, वो आप बनाएं सॉफ्ट फॉर्म में। एक आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डॉक्यूमेंट खोलें, उस पर आप लिख दीजिए, चूंकि हम चाइना और इंडिया की मिसाल लेकर चल रहे हैं तो इसी को लिख दे के चलते हैं कि चाइना इंडिया आप कह सकते हैं सागा, चाइना इंडिया सागा, ठीक है? आपने ये लेके चली, उसके अंदर स्टार्टिंग फ्रॉम द टाइम जब ये मसला हुआ है, अभी रिसेंटली हुआ है, तो आप स्टार्ट करेंगे वहाँ से। मूविंग फॉरवर्ड आप ज़ाहिर न्यूज़ फॉलो कर रहे होंगे, आप कुछ आर्टिकल्स को वीकली बेसिस के ऊपर अगर आप चेक करें, तो बस आप लोगों ने जो डेवलप हो रही है स्टोरी उसके बारे में अपना एनालिसिस नोट्स की फॉर्म में मेंशन करते जाना है। ज़रूरी बात यहाँ पे ये है कि आपने साथ में अपनी जिस वेबसाइट से आपने वो इन्फॉर्मेशन रखी होगी या जिस भी आर्टिकल को आपने रेफर किया होगा उसका रेफरेंस अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में ज़रूर देते जाइए, क्योंकि बाद में अगर आपको उसको फिर रिविजिट करना हो तो आपको मसला दरपेश ना हो, ठीक है? सो इसका पहला जो आप कह सकते हैं प्रिंसिपल है करंट अफेयर्स पाक अफेयर्स में जो कि मैंने फॉलो किया वो तो ये था। दूसरा प्रिंसिपल क्या है? दूसरा प्रिंसिपल ये है कि करंट अफेयर्स पाक अफेयर्स के लिए बड़ा ज़रूरी है कि कुछ फाउंडेशनल इश्यूज़ हैं जिनके बारे में आपको पता हो। अगर पाक अफेयर्स की बात की जाए तो आजकल के तनाजर में 18वीं तरमीम और 18th अमेंडमेंट के बाद में जो रेपरकशंस हैं या उसकी जो मैनिफेस्टेशन है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। मेरे ख्याल से एक फाउंडेशनल थीम है जो कि आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। उसकी डिफरेंट आइट्रेशंस हैं जो कि डेवलपिंग स्टोरीज़ के तौर पे आपको नज़र आएंगी। जैसे मिसाल के तौर पे अभी रिसेंटली बजट के बाद एक बड़ा मसला बना जिसके अंदर बाद में प्राइम मिनिस्टर की तरफ से गालबन एक कमेंट आता है कि वील हैव टू रीविजिट द आइडिया ऑफ 18th अमेंडमेंट, ठीक है? तो समझ रहे हैं मेरी बात कि 18th अमेंडमेंट इन इट सेल्फ एक फाउंडेशनल इशू है। इसकी डिफरेंट आइट्रेशंस हैं जो डेवलपिंग स्टोरीज के तौर पे आपसे पेपर में पूछी जा सकती हैं, ठीक है? तो आपको इस तरह के फाउंडेशनल इश्यूज जो कि लातादाद हैं मेरे ख्याल से, जैसे पानी का एक मसला आ जाता है, आपका सिविल मिलिट्री इम्बेलेंस है, फिर आपके पाकिस्तान इंडिया अफेयर्स, इंडिया चाइना अफेयर्स, इंडिया चाइना का अभी मसला आ रहा है ना, इससे पहले जो इनका हिस्टोरिकल मसला है 1962 ऑनवर्ड्स, बल्कि 1914 ऑनवर्ड्स जो कि ब्रिटिश और तिब्बत आपका जो हुआ था मुआहदा हुआ था उसके बाद एक पूरी टाइम लाइन बनती है, तो उसके बारे में आपको एक फाउंडेशनल नॉलेज होना ज़रूरी है, ठीक है? तो ये फाउंडेशनल इश्यूज जो हैं उनको आइडेंटिफाई कीजिए, उनको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। अगर आपके ये प्रिपेयर होंगे तो किसी भी डिवेलपिंग स्टोरी को समझना या किसी भी इशू का एनालिसिस करना आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा।